क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो, आपके पास पी और क्यू एक पॉइंट दिया है लाइन सेगमेंट के, पी एंड क्यू दोनों के कोऑर्डिनेट गिवन है। पी क्यू पर कहीं एक पॉइंट लाई कर रहा आर, आर के बारे में उसने आपसे कहा है कि जो पॉइंट आर है विद एक्स कोऑर्डिनेट फोर, आर के कोऑर्डिनेट में जो एक्स है उसकी वैल्यू फोर गिवन है, वाई जेड के बारे में आपसे नहीं कहा, और आपसे कहा कोऑर्डिनेट ऑफ आर, यहाँ पर क्या करना है आपको फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले ये पी क्यू को जो आर है ये किसी ना किसी रेशो में डिवाइड कर रहा होगा, उससे फर्स्ट ये होगा कि हम लोग यहाँ सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करें एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ इसमें रेशो m1 m2 कर लेते हैं। चलिए सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, पाई सेक्शन फॉर्मूला। जब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ हम x वाला ही यूज करेंगे क्योंकि x की वैल्यू मुझे गिवन है, x इज इक्वल टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। वैल्यू ऑफ x कितनी है बेटा, 4 इज इक्वल टू एम वन गिवन नहीं है, एक्स टू की वैल्यू 8, एम टू एक्स वन की वैल्यू 2 अपॉन एम वन प्लस एम टू। यहाँ से हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 4m1 प्लस 4m2 इज इक्वल टू 8m1 प्लस 2m2। नाउ लाइक टर्म्स का कलेक्शन करते रहे, इज इक्वल टू 4m2, ये आ गया 4m1 इज इक्वल टू 2m2, माइनस से माइनस मैंने कैंसिल कर दिया और ये भी 2 से कैंसिल हो रहा है, दैट मींस आपका जो रेशियो आ जाएगा M1 ratio M2 equals to आ जाएगा 1:2। सबसे पहले हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करा, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने से मेरे पास रेशियो आ गया निकल के 1:2। अब आपको Y और Z फाइंड करना है, तो Y के लिए फॉर्मूला लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूले का ये, जिसमें M1 M2 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है और इसमें पुट कर देंगे। M1 की वैल्यू 1 है, Y की वैल्यू 0, 2 के साथ माइनस थ्री एम वन प्लस एम टू थ्री, तो ये आ गया माइनस सिक्स अपॉन थ्री इज इक्वल टू माइनस टू। आर में वाई की ऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास, माइनस टू। ऐसे ही हम लोग अब जेड फाइंड करते हैं, वन वन इंटू टेन एंड टू इंटू फोर, डेनोमीटर में थ्री, फोर टू जो एट, एट और टेन 18 अपॉन थ्री, डेट मीन थ्री आ गया सिक्स। कोऑर्डिनेट ऑफ आर, आर के जो कोऑर्डिनेट है वो हुए, सबसे पहले एक्स की वैल्यू 4 गिवन है, वाई की वैल्यू माइनस 2 एंड जेड की वैल्यू 6। कंप्लीट योर क्वेश्चन, क्वेश्चन को थोड़ा सा बस ध्यान से पढ़ना है, बाकी सब हम क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ए बी की वैल्यू दी है, कोऑर्डिनेट एक पी है तो पी के कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई जेड। ये रिजल्ट आपको लाना सीखा फाइंड द इक्वेशन, आपको यहाँ पर एक इक्वेशन फाइंड करनी है, पी ए स्क्वेयर डेट इज डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अंडर रूट का साइन तो हट गया क्योंकि यहाँ स्क्वेयर है पी, तो ये हो गया एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वेयर प्लस जेड माइनस फाइव का होल स्क्वेयर प्लस, अब पी बी की आती है वैसे हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वेयर प्लस जेड प्लस सेवन का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। अब सारे होल स्क्वायर ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स, वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटीन माइनस एट वाई, जेड स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस टेन जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्वेयर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स प्लस जेड स्क्वेयर प्लस फोर्टी नाइन प्लस फोर्टीन जेड इज इक्वल टू के स्क्वेयर। सारे के सारे में ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज हो गई है। अब आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट मींस लाइक टर्म का कलेक्शन। अब आप देखो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर कितने, टू, टू एक्स स्क्वायर आ गया, ऐसे टू वाई स्क्वायर आ गया और टू जेड स्क्वायर आ गया। अब आपका इसमें जो जो चीजें कैंसिल हो रही हैं वो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, जो जो सिंप्लीफाई होते जा रहा है उसको सिंप्लीफाई करते चले जाओ। जैसे
सबसे पहले x वाला पार्ट देख लेते हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर है x और यहाँ पर है x, सी है, x यहाँ पर है, y, z, x, हाँ, तो यहाँ माइनस का कितना आ गया 12, और माइनस 12 से 2 माइनस हो गया तो कितना बचा फिर 10 आपके पास बच रहा है यहाँ से। क्लियर है यहाँ पर या कोई डाउट हो रहा है यहाँ पर, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है बेटा हमारी करी भी, कहीं पे कैलकुलेशन में हमने कोई गलती कर दी हो? यहाँ पर गलती है, ये वाला पार्ट यहाँ पर y आएगा नॉट x, तो माइनस का 6 है और प्लस का 2 है तो माइनस का 4x आ गया। ऐसे 8y वाला और माइनस का 6 तो माइनस का 14y आ गया। एंड z वाला माइनस का 10 और प्लस का 14z तो प्लस का 4z आ गया। आप जितने भी कांस्टेंट वैल्यू उनको ले लो, 9, 16, 25, 25, 50, 51, 51, 60, 60 and 40 मिलाकर हो गई 109 + 109 = k². यहां तक हम पहुंच गए, बट हमारे पास जो ये कांस्टेंट वैल्यू है ये एक ही साइड होनी चाहिए, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, मैं तो इन दोनों को एक साइड कर दो, बाकी एज इट इज इतना ही है तुम्हारे पास, तुम्हारी इक्वेशन आ गई बेटा, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा है ना कि फाइंड अ इक्वेशन, वो इक्वेशन ही होगी आपके पास। चाहे तो आप यहाँ से टू भी कॉमन लेना चाहें तो टू कॉमन ले सकते हैं, देखिए टू 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 यहाँ पे टू आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 109 अपॉन 2। इट्स आर रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो आपने इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कही थी वो हमारा आंसर फाइंड आउट। सिंपली आपको यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था और सारी की सारी अलजेब्रिक